दोस्तों आज इस वीडियो में हम मथुरा के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम मथुरा के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल का संपूर्ण वर्णन करेंगे तथा मथुरा घूमने जाए तो कहां कहां घूमें इसकी भी जानकारी देंगे। तो दोस्तों मथुरा ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां सबसे ज्यादा पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं मथुरा अगर आप जाएं तो कहां कहां घूमें। सबसे पहले आप रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं, उसके बाद आप ऑटो पकड़कर कोई भी होटल या धर्मशाला में जाकर कहीं भी रुक सकते हैं और आराम करने के बाद जब आप वहां से निकलें तो मथुरा के इन विशेष जगहों पर जरूर जाएं। पहले नंबर पर है कृष्ण जन्मभूमि मंदिर। कृष्ण जन्मभूमि हिंदुओं के पूजन के लिए पावन धरती मानी जाती है। भगवान श्री कृष्ण मथुरा के एक जेल की कोठरी में पैदा हुए थे। जेल की कोठरी वाले स्थान पर एक मंदिर है जिसे कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ हर साल यहाँ पर लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं और पौराणिक कथा के अनुसार यह मंदिर ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला द्वारा बनवाया गया था। यहाँ की जेल की दीवार और बाकी अन्य चीजों को देखने पर लगता है मानो भगवान श्री कृष्ण आज भी बालक के रूप में यहाँ हैं। लोगों का तो यह भी कहना है कि यहाँ पर पहले भगवान श्री कृष्ण की सोने की मूर्तियाँ रखी हुई थी जिसे महमूद गजनबी उठाकर ले गया था। मथुरा जंक्शन से इस मंदिर की दूरी लगभग 3.5 किलोमीटर है। दूसरे नंबर पर है द्वारिकाधीश मंदिर। इस मंदिर का निर्माण साल 1814 में कराया गया था। इस मंदिर में भगवान कृष्ण की सभी कलाकृतियां मौजूद हैं। भगवान कृष्ण के विशाल जीवन को देखना है तो इस मंदिर में एक बार जरूर जाइए। यह मंदिर मथुरा जंक्शन से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तथा विश्राम घाट के नजदीक स्थित है। कृष्ण जन्माष्टमी और होली के समय यहाँ पर श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ देखने को मिलती है। तीसरे नंबर पर है गोवर्धन पर्वत। पुरानी कथाओं के अनुसार गांव को डूबने से बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को एक उंगली पर उठा लिया था और लोग ये भी कहते हैं कि इस पर्वत के चक्कर लगा लेने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं। जब भी आप मथुरा जाएं तो एक बार इस जगह पर जरूर जाएं। गोवर्धन पर्वत मथुरा से 22 किलोमीटर की दूरी पर वृंदावन के पास स्थित है। यहां आने वाले पर्यटकों द्वारा सबसे ज्यादा देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में से गोवर्धन पर्वत एक है और यहां तक कि इस पर्वत को मथुरा के सबसे पवित्र पर्वतों में एक माना जाता है। चौथे नंबर पर है बांके बिहारी मंदिर। बांके बिहारी मंदिर मथुरा जिले के वृंदावन धाम में रवण रेती पर स्थित है। यह भारत के प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। बांके बिहारी मंदिर भगवान श्री कृष्ण का ही एक रूप है। मथुरा जंक्शन से इस मंदिर की दूरी लगभग 13 किलोमीटर की है। यहाँ पर काले रंग की रखी हुई कृष्ण की मूर्ति को बांके बिहारी जी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि इस मंदिर में अगर आप दर्शन करने आते हैं तो आंखें बंद करके भगवान के दर्शन यहाँ मत करिए। आप यहाँ बांके बिहारी जी से नज़र मिलाकर दर्शन करेंगे तो आपकी हर एक मनोकामना पूरी होगी। पांचवें नंबर पर है कुसुम सरोवर। कुसुम सरोवर मथुरा शहर में स्थित गोवर्धन से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर राधा घाट के पास है। यह सरोवर 450 फीट लंबा और 60 फीट गहरा है और पौराणिक कथाओं के अनुसार इस जगह पर ही भगवान श्री कृष्ण राधा जी से मिलने आया करते थे और इसी जगह पर वह रासलीला करते थे। हम आपको बता दें यहाँ शाम को होने वाली आरती इस जगह का मुख्य आकर्षण का केंद्र है जिसे देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। कुसुम सरोवर के चारों तरफ कदम के पेड़ लगे हुए हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को कदम का पेड़ बहुत ज़्यादा पसंद था, इसी वजह से भारत के कोने कोने से श्रद्धालु मथुरा वृंदावन आते हैं और वह कुसुम सरोवर आना बिल्कुल नहीं भूलते। छठवें नंबर पर है कंस किला। कंस किला मथुरा में स्थित एक बहुत प्राचीन किला है जो भगवान कृष्ण के मामा कंस को समर्पित है। यह किला मथुरा का एक बहुत ही लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। यमुना नदी के किनारे स्थित यह किला एक अद्वितीय हिंदू और मुगल शैली का वास्तुकला का अनूठा नमूना है। बता दें कि किला अब जर्जर हो चुका है लेकिन आज भी यह किला मथुरा आने वाले पर्यटकों को बहुत रोमांचित करता है। सातवें नंबर पर है विश्राम घाट। विश्राम घाट द्वारकाधीश मंदिर से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर नई बाजार में स्थित है। यह मथुरा के सभी घाटों में से एक प्रमुख घाट है। विश्राम घाट के उत्तर में 12 घाट और दक्षिण में भी 12 घाट है। विश्राम घाट को लेकर यहाँ कुल 25 घाट होते हैं। इस घाट पर कई सारे संतों ने तपस्या की है और संतों ने यहाँ पर विश्राम भी किया है। इस घाट पर यमुना की महारानी जी का अति सुंदर मंदिर भी बना हुआ है। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध करने के बाद इसी घाट पर आकर विश्राम किया था। तब से यह घाट बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गया है। यहाँ पर सुबह शाम की आरती का नज़ारा भी एक बहुत ही अद्भुत होता है।
आठवें नंबर पर है बिरला मंदिर। बिरला मंदिर मथुरा के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यह मथुरा वृंदावन मार्ग पर ही स्थित है। इस मंदिर की दूरी मथुरा जंक्शन से लगभग 5 किलोमीटर की है। इस मंदिर के उत्तर में एक स्तंभ पर संपूर्ण भगवत गीता भी लिखी हुई है। इसकी कलात्मक शैली बहुत ही सुंदर और अद्भुत है। मंदिर परिसर में यात्रियों के विश्राम के लिए धर्मशाला भी बनी हुई है। बिरला मंदिर दिल्ली के लक्ष्मी नारायण मंदिर का एक छोटा रूप है। नौवें नंबर पर है निधिवन मंदिर। मथुरा का निधिवन मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर भगवान होने के साक्षात प्रमाण मिलते हैं। बताया जाता है कि यहां भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन आते हैं और फिर सुबह होते ही चले जाते हैं। हम आपको बता दें, यहां दिन भर रहने वाले पशु पक्षी बंदर वगैरह रात को यहां से गायब हो जाते हैं। बताया जाता है कि यहां पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रात में रासलीला करते हैं और जो उन्हें देखने का प्रयास करता है तो वह अंधा बहरा और गूंगा हो जाता है। दसवें नंबर पर है पुटारा कुंड। यह कुंड भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है और एक पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि यहाँ पर बचपन में मैया यशोदा भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र धोया करती थीं। यह कुंड श्री कृष्ण जन्मभूमि के निकट ही स्थित है। यहाँ पर दरवाजे वाली आकृति बलुआ पत्थरों से निर्मित है। यह मथुरा से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, इसके अलावा भी अगर आप मथुरा में कहीं घूमना चाहते हैं तो प्रेम मंदिर भी एक घूमने वाली बहुत बढ़िया जगह है। तो दोस्तों, ये थी मथुरा में घूमने वाली 10 ऐसी जगह जहां आपको जरूर जाना चाहिए। दोस्तों, कौन सा मंदिर कब खुलता है और कितने टाइम खुलता है इसकी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम अपने चैनल पर ऐसी ही वीडियो डालते रहते हैं।